नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। बिजली बिल माफी और नया मीटर के नाम को लेकर गांव वालों से ठगी का मामला प्रकाश में आया। पाकुड़ मुफस्सिल थाना अंतर्गत रामचंद्रपुर पंचायत में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। दुबराजपुर गांव के चार व्यक्ति अंताजुल शेख, नोरफुल शेख, शमीम शेख, इब्राहिम शेख के द्वारा रामचंद्रपुर गांव में घर घर जाकर यह प्रचार किया गया कि आप लोग यह बिजली बोर्ड लगा लीजिए, आप लोगों का पिछला बकाया बिजली बिल माफ हो जाएगा, जिसके एवज में 5,500 आपको भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह से इन लोगों के द्वारा गांव के कुछ भोले भाले लोगों से ठगी करके 5,500 लिया गया, जिसका गांव के ही कुछ लोगों ने वीडियोग्राफी कर वीडियो बना लिया और उसके बाद गांव वालों ने इन लोगों को पकड़ लिया। फिर पूरे गांव में हल्ला बोल चालू हो गया। जब आरोपी व्यक्तियों से पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हम लोगों को रामचंद्रपुर के ही हामिद शेख, जो कि बेल्डगा हाई स्कूल के अध्यापक है, उन्होंने ही हम लोगों को ऐसा करने के लिए बोला है। आरोपी चारों व्यक्ति ने यह भी स्वीकार किया कि हम लोगों के द्वारा गांव वालों को बिजली बिल माफी और नए बोर्ड की कीमत बताकर गांव के कुछ लोगों से, जिनका की नाम रेजा उल शेख, मदन शेख और भी लोगों से 5,500 रुपए की राशि लेकर हम लोगों ने ठगी की है। ग्रामीणों से जब पूछा गया तो ग्रामीणों ने भी कहा कि हामिद शेख मास्टर जी के द्वारा ही गांव वालों से ठगी का काम हो रहा है। इस मामले को लेकर जब मुफस्सिल थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज जी से संपर्क किया गया तो उन्होंने तुरंत अपना पुलिस बल मौके पर भेज दिया। उपस्थित मुफस्सिल थाना के एएसआई श्री राजेश कुमार ने बताया कि फिलहाल चारों व्यक्ति को हम थाना लेकर जा रहे हैं, छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर पुलिस ने चारों आरोपी को अपने साथ थाना लेकर चली गई। किन किन लोगों से पैसा लिया है आप लोगों ने? उसका नाम नहीं जानते हैं। हमारा नाम बोलो। रिजाउल से, रिजाउल से, मदन से, और एक मदन से, दो ठोका। दो जन से आपने पैसा लिया है? हमने हाथ में दिया हामिद जी के कहने के अनुसार। कितना बोर्ड लगाया है और कितना बाकी है? बाकी और नहीं है, पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया। बोर्ड पैटे लगा लेट गए। आप गांव वालों का क्या कहना है? सही है सब? बोर्ड लगाना सही तो वो लोग को पता लगा, कार्रवाई किया जाए। ये सब क्यों किया? करने का कुछ मकसद था मास्टर जी का? इलेक्शन को हार रहा है, हारने के बावजूद मैंने ऐसा ऐसा राजनीति चल रहा है। गरीब आदमी लोग बुढ़वा का में कुछ जानता नहीं है, जो करेगा वही ना ये लोग सोचेगा। बोलिए दादा। हाँ, ये जो मेरा गांव में अभी इलेक्शन का समय है, आचार संहिता लागू है, इसी का बीच में हमको न्यूज मिला जो वहाँ फलाना फलाना घर में बोर्ड लगा रहा है। तो कौन जी का बोर्ड लगा रहा है भाई? तो ये इलेक्ट्रिक बिल का। तो किस आधार पर लगा रहा है? बोले ये पुराना बकाया बिल जो है वो माफ हो जाएगा, जितना भी हो वो सब माफ हो जाएगा, नया माने ये मीटर लगाना होगा और उसी का आधार पर फिर बिल आएगा, और पहले वाला जो पुराना ये है वो सब माफ हो जाएगा। हाँ, ऐसा करके पब्लिक को सबको बुलाया है, एक एक करके जरे से मैंने आधार कार्ड लेगा और उन लोगों को बता दिया गया है जो 5,500 रुपये करके लेगा। अच्छा। हाँ, बेचारा लोग क्या करेगा, गरीब आदमी अनपढ़ आदमी जमा करना शुरू कर दिया, कोई आदमी दौड़ने लगा आधार कार्ड लेकर उसी का पास। चलिए ठीक है दादा, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ दादा? रियाउल शेख। क्या मामला है? मामला ये है कि हम इस लोग यारा कोई ले जाए बोर्ड एरक मेरे काम जो बोर्ड एखन लग गया आकर बिल माफ हो एखन चालू है बिल आज चालू और 5,500 लागे। मतलब इनके कहने के अनुसार आपका पिछला जो भी बकाया बिल है वो सिर्फ ये वाला बोर्ड लगाने से बकाया बिल माफ हो जाएगा? माफ हो जाएगा। तो इनको और कोनो बिल कोनो खबर था बनार? आपको पता है इन लोगों को किसने भेजा है? हम किसने भेजा है हमको क्या मालूम है, हमें मास्टर ओखने छिलो हमें ओखन देखे ले लीजिए। आप लोगों को पता है गांव वालों को किसी को किसने भेजा इन लोगों को? हामिद लोग, हामिद लोग भेजा है। हामिद इसी गांव का है? मास्टर है, मास्टर है। अच्छा, वो हाई स्कूल का टीचर है?
आप लोग कुछ जानते हैं? आप लोग बताइए। सबको है ना मुख्य बोलिए बोलिए। 5000 5500 करके लेता है, हम मास्टर है, सबसे पैसा खाता है। 5000 5500 रुपया आप लोगों से लिया गया है? लेता है। और वो मिस्त्री वो 200-300 में वो लेके आता है, लेबर करके वो उससे पैसा दे देता है, वो पैसा पूरा खा जाता है। और उसके बदले में क्या बोलता है कि आप लोगों का पिछला बकाया वो हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, अब कोई पैसा नहीं लगेगा 5000 में 5500 में। बोले सर, इस मैटर में आपका क्या रूल होगा? ये प्राइवेट आदमी है, इसको ना ना वो लिया जाएगा, चलेगा क्या होगा, क्या गलत है क्या सही, उसमें हम तहकीकात करके पता करके बताएंगे। गाँव ग्रामीण लोग का कहना है कि इसमें छोटा मोटा का बिल का पैसा लिया जा रहा है और किसी का पैसा लेके मीटर लगाया जा रहा है, इससे बिजली का स्कूटी इंजीनियर से पता किया जाएगा और हम अपने सीनियर पदाधिकारी को बताएंगे इसमें क्या होगा। ठीक सर, धन्यवाद। कटवा रहे हैं क्या? उसको तुरंत जीआई साहब कॉल किया था, तुरंत कॉल किया, उसके बाद सर आ गया, पहुंच गया। जीआई साहब हमको बोला सर जब फोन ऐसा डिपार्टमेंट किया था रामचंद्रपुर पंचायत।